नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है सफीदों के नागरिक अस्पताल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीलाखड़ी गांव में सुबह एक डेड बॉडी मिली है अंकित नाम के युवक के, जिसके गर्दन में गोली मारी गई है। और उसी को लेकर आरपीआई पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता सुनील गहलोत, जो एक संस्था भी चलाते हैं कोई सताए हमें बताए, इसी कड़ी में आज वो इसी मामले को लेकर नागरिक अस्पताल में पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे किस तरह की क्या वारदात हुई है। सर, ये जो घटना हुई है और आए दिन जो अपराध सफीदों में हो रहे हैं लगातार सिलसिलेवार, और काफ़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट को ले लीजिए, मर्डर ले लीजिए, काफ़ी घटनाएं हो रही हैं लगातार सिलसिले, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहता हूँ, जो ये घटनाएं घट रही हैं ये बड़ी निंदनीय है। अगर आज हम सफीदों शहर की बात करें तो ये पूरे हरियाणा की क्राइम सिटी का नंबर वन हो चुका है। सफीदों सिटी में पहले से कभी नहीं होता था, पिछले दो महीने से पूरे हरियाणा का नंबर वन सफीदों क्राइम में हो चुका है, जो कि बड़ा निंदनीय है। हम इसके लिए सरकार की तरफ और DGP महोदय को लिखित में भेज रहे हैं सफीदों थाने के लिए कि यहाँ पर इस पूरे प्रशासन को चेंज किया जाए। यहाँ पर दिन भर दिन हर रोज़ पुलिस के नाम का कोई भी खोप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करते हैं तो अभी सिंघाना के अंदर भी एक होमगार्ड के जवान की भी हत्या कर दी गई थी, जिसके हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि जो होमगार्ड के जवान की हत्या हुई थी सिंघाना गाँव के अंदर, उसके जो आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं कोई, और सुनने में ये भी आया कि वह अन्य और लोगों को भी धमकी देके गए जान से मारने की। किन किन लोगों को धमकी मिली है सर? उनमें से चार लोगों को धमकी मिली हुई है, एक सुखदेव है, दो उसमें विनोद मेहरा है, एक उसमें सुनील गहलोत, जो मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि हम एक सामाजिक आदमी हैं, हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के लिए काम करते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम भी टारगेट पे हैं। इसके लिए लिखित में हमने प्रशासन को भी दिया है, लेकिन पुलिस ने आज तक किसी को भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है। और जो ये घटनाएँ घट रही हैं, ये आपके सामने साफ साफ है कि कहीं ना कहीं दोबारा फिर से कोई घटनाएं घट सकती हैं। ये सारी पुलिस की लापरवाही, अगर पुलिस घटना होते ही तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन ले और उनको गिरफ्तार किया जाए तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो क्या लगे, जैसे कि आप लोगों को धमकी मिली है, क्या कहीं कोई खतरा महसूस करते हैं आप? नहीं, खतरा क्योंकि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। खतरा क्या है जी, खतरा सामाजिक लोगों को हमेशा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक कार्य करना बंद कर दिए जाएंगे, सामाजिक कार्य करते रहेंगे। अगर हमें कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधा सीधा पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमने लिखित में ये चीज़ पहले दी हुई है। और जो घटना सिंघाना वाली है, सिंघाना वाली घटना में क्या हुआ, उन बच्चों ने पहले अम्बेडकर जी की स्टैचू तोड़ी गई, तो उसके लिए एक दिन पहले कहा था कि हम स्टैचू तोड़ेंगे, उन्होंने स्टैचू तोड़ी। उन्होंने उसके बाद एक दिन पहले ये कहा कि हम रविदास मंदिर के अंदर गोली चलाएंगे, अगले दिन उन्होंने वहाँ पर गोली चलाई। उससे अगले दिन उन्होंने ये कहा कि हम झगड़ा करेंगे, उन्होंने झगड़ा किया। अब उन्होंने अगर ये बात कही है कि हम लोग इन चार लोगों को देख कर छोड़ेंगे, एक का हमने काम तमाम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई घटना घटेगी, और इस बात का सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर सफीदों पुलिस प्रशासन से हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं, जैसे कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? सफीदों पुलिस प्रशासन से कोई मांग नहीं कर सकते, सफीदों प्रशासन के ऊपर आप पर बिल्कुल पट्टी लग चुकी है, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी क्रिमिनल को उन्होंने नहीं पकड़ा है। इसके लिए माननीय DGP साहब को हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे, और मिलकर हम वहाँ पर सारी बात रखेंगे, और यहाँ के इन सभी को चेंज करने के लिए भी अपनी बात रखेंगे। और हरियाणा सरकार को आज ही हम मेल के माध्यम से हम ये बात लिख के भेजेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में रही है। आज भी हमारे पास बात करें तो हमारी पार्टी सत्ता में है, हमारा गठबंधन है, अलायंस है। तो हरियाणा में भी हमने जो चुनाव थे तो सरकार की पूरी मदद की थी उसमें जीतने के लिए, लेकिन हमने इसलिए मदद नहीं की थी कि आए दिन ये घटनाएं अंजाम हो, आए दिन क्राइम बढ़े। हमने मदद इसलिए की थी कि हरियाणा को शांत रखा जाए, प्रत्येक शहर को शांत रखा जाए, क्राइम घटे, लेकिन क्राइम दिन भर दिन घट रहे हैं। तो हम यहाँ के प्रशासन के लिए लिख के भेजें। सर, क्या जैसे आपको जान से मारने की धमकी मिली हुई है उन युवकों द्वारा जो सिंघाना मर्डर के आरोपी हैं, तो क्या आप जैसे समाज में घूमते हैं या फील्ड में रहते हैं, तो क्या कहीं कोई सुरक्षा मुहैया के लिए आपने पुलिस प्रशासन में गुहार लगाई है कहीं? नहीं, ये मैंने 3 साल पहले लिखित में दिया था, और आज तक सरकार की तरफ से कोई नहीं, हमने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रखे हुए हैं साथ में, और यहाँ सिद्धों की तरफ से कोई भी उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। आपके सामने की ही बात है कि यहाँ पर अभी परसों न्यूज़ में आया कि एक यहाँ पे किसी के साथ घटना घटी थी, उनके साथ लूटपाट हुई थी, तो उन्होंने कंप्लेंट दी, और उस कंप्लेंट में 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उन आरोपियों को किसी और घटना में पकड़ा गया, तब जाके उन्होंने कबूला कि हमने इस घटना को भी अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सफीदों का जो है वो सत्ते में नहीं है। अगर वो टाइम रहते, अगर कोई शिकायत मिलती है, अगर उसके ऊपर अमल किया जाए तो ये घटनाएँ घट सकती हैं, नहीं हो, लेकिन टाइम रहते नहीं, जब ये घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद एक्शन लिया जाता है, तो इसलिए अपराधियों के जो हौसले हैं वो बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि अपराधियों के हौसले बढ़ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं पुलिस की कार्यशैली को?
कार्यशैली मैंने बताया कि हमने टूरिस्ट की कार्यशैली से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी तो था, पहले तो नहीं क्राइम होते थे, सफेदों को हमें बिल्कुल शांति का क्षेत्र माना जाता था। सफेदों में कभी कोई ऐसी नहीं होती थी, छोटा मोटा लुटपुट और हो गया, साल में हो सकता था एक हत्या का मामला आता था। अब की बार हम बात करें तो दो महीने में इतने हत्याओं के मामले आ गए हैं जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। कोई सुसाइड कर रहा है किसी फाइनेंशियल से तंग होकर, किसी की चुरा भोंक के हत्या कर दी जाती है, किसी को व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है, किसी को विंडो से पीट पीट के मार दिया जाता है। आपके सामने की घटनाएं हैं सारी की सारी। बिल्कुल, कार्य से लेकर सवाल उठाना स्वाभाविक बात। तो सुनील जी, जैसे कि आपने विस्तार से पूरी जानकारी दी, जो अभी आज रात का जो मामला है, जो मर्डर हुआ है, अंकित नाम के युवक का, शिलाखेड़ी गाँव का रहने वाला था, तो इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से आप ताज़ा स्थिति में क्या मांग करते हैं? ताज़ा स्थिति में ये है कि तुरंत प्रभाव से जो वो दोषी हैं उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो जो और लोग हैं उन लोगों के, जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके हौसले और बढ़ेंगे, वो और घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो देखा आपने हमारे साथ आरपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता सुनील गिरा, जिन्होंने भी विस्तार से जानकारी दी। जो आए दिन सफेदों के अंदर जो क्राइम बढ़ रहे हैं और जो क्राइम का जो सिलसिला लगातार सिलसिलेवार जो क्राइम हो रहे हैं, और पुलिस की कार्यशैली पर इन्होंने पूरी तरह से सवाल उठाए हैं कि वो बिल्कुल नाकामी रही है पुलिस की इस मामले में। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बात और भी, अगर एक हफ्ते के अंदर जो ये क्राइम हुए हैं, अगर इनके दोषियों को नहीं पकड़ा गया, तो मैं आपको एक बात आपके मीडिया के माध्यम से और सरकार को भी और यहाँ सफेदों प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर सामाजिक लोग इकट्ठे होंगे और सफेदों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, चेतावनी दी है इस पर सफेदों प्रशासन को, सीनियर अदालत ने, कि एक हफ्ते के अंदर जितने भी क्राइम हुए हैं, अगर वो क्राइम के जो आरोपी हैं अगर वो नहीं पकड़े जाते, गिरफ्तार पुलिस नहीं करती उनको, तो एक हफ्ते का इन्होंने समय दिया प्रशासन को, एक हफ्ते बाद ये एक रोष प्रदर्शन सफेदों में निकालेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अन्य कोई और बात कहना चाहेंगे? तो ये थे हमारे साथ सुनील गिरा, आरपीआई के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता, जो पूरी तरह से अभी जानकारी दी। बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आगे भी आपको इस मामले के आगे रिपोर्ट देते रहेंगे, किस तरह से क्या कार्यशैली पर पुलिस की रहती है इस मामले को लेकर। जो ताज़ा अभी अपराध हुआ है आज रात को, जो एक युवक का मर्डर हुआ शिलाखेड़ी गाँव का, तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के नागरिक अस्पताल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।